अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम अतिया शर्मा है और ये मेरा नया चैनल है जिसके लिए मैं इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो बना रही हूँ। आज का व्लॉग है, मेरे चैनल का नाम है अतिया शो व्लॉग और मैं इसमें रोज़ाना की बेसिस पे व्लॉग बनाऊँगी और उनके सबके टॉपिक्स अलग अलग होंगे, ठीक है। आज के व्लॉग का नाम है रूम व्लॉग, ठीक है, रूम सेटिंग व्लॉग, मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं दोनों में, क्योंकि आज मैं जो है वह आपको अपने कमरे की हालत दिखाने वाली हूँ और उसके बाद फिर हम उसे सेट करेंगे, उसके बाद वो सब कुछ आप लोग देखेंगे, सही है। उसके बाद फिर हम जो है ना इसको सेटअप करके तो फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है, और सेट करते हुए भी दिखाऊँगी आपको, ठीक है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये सफ़र बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और मेरा एक और चैनल भी है जिसमें मैं जो है वो प्रैक्टिकल्स वगैरह के बारे में, एजुकेशनल वाला चैनल है, ठीक है, एजुकेशन वाला भी है, उसमें न्यू डिज़ाइन वगैरह सब कुछ आता है, ठीक है। उसका नाम है ज़िंदगी विद अतिया, उस पर जाएँ और उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो फिर उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाजमी शेयर करना, ठीक है। आप लोगों के सपोर्ट के बगैर मेरी जो है वो मेरी सक्सेस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चले अब हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये मेरे कमरे की जो दीवार है इसकी आप हालत देख रहे हैं। ये हम लोगों ने जो है वो कलर करवाया था कि पिंक कलर का, हमने तो पिंक कलर बोला था, उन्होंने दो तीन कोट किए तो उसके बाद ये हालत होगी, आप देख रहे हैं ये हालत होगी इसकी, ठीक है। अब मुझे इसी के साथ गुजारा करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर हमने इसके ऊपर जो है ना ये जो साफ साफ नज़र आ रहा है, ये जो साफ साफ है, इसके ऊपर ना पानी डाला था तो पानी से ये साफ़ हो गया, पता नहीं कैसे। तो अब हम दोबारा से करेंगे। अब सोच रही हूँ कि पूरी दीवार पे पानी डलवा लूँ ताकि जो है ना ये साफ़ हो जाए, ठीक है गाइस। आप लोग देख रहे हैं, आप मैं आपको अपने कमरे की हालत दिखाती हूँ। एक्चुअली ना आपको पता है मैं मुझसे जो है ना जल्दी नहीं उठा जाता बिल्कुल भी, तो अभी मैं उठी हूँ थोड़ी देर पहले ही, तो फिर मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, आप उनके साथ शेयर करती हूँ कि मेरी क्या रूटीन है या फिर मैं क्या क्या काम करती हूँ। खैर, आज के रूम, जैसे कि आज का व्लॉग तो रूम पर है, तो फिर मेरा रूम की पहले आप हालत देख ली। हंसना इज़ नॉट अलाउड, ओके। तो क्योंकि मैंने अभी इसको कुछ भी नहीं किया तो मैं आपके सामने ही करूँगी, मैंने कहा मैं अपने फ्रेंड्स के सामने करती हूँ, ठीक है। अब देखें आप लोग इसकी क्या हालत हो रही है। ये बल्ब के साथ जो है ना मैंने डेकोरेशन पीस बना के लटकाया था, इसको सर्दियाँ हो गया, बहुत टाइम हो गया इसको, और ये यहाँ पर तब से ही लटका हुआ है ना, तो इसकी जो है ना मिट्टी वगैरह हो गई है, तो मैं अभी इसको भी उतार दूँगी, सही है। अब आगे देखें, यहाँ पर है ना मेरी रिसर्च की भी कुछ चीज़ें पड़ी हैं। ये मेंढक्स हैं, ये फ्रॉक है, फ्रॉक, ठीक है, कि तीन फ्रॉक है। ये आप लोगों को पता नज़र आएगा कि नहीं, ये रुके मैं आपको दिखाती हूँ, ये फ्रॉक आपको नहीं नज़र आ रहा ना, अब शायद विजिबल हो, ये रहा ये फ्रॉक है। जैसे कि मैं एक बैचलर स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं जूलॉजी पढ़ रही हूँ, तो मैं जो है ना इन पर रिसर्च करी, इनको मैंने पकड़ा भी खुद है और इनकी जो है ना रोज़ की मैं इनकी रिपोर्ट भी लिखती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये है, ये इसके अंदर जो है वो छोटा सा है, बहुत ही आप लोग को नज़र ही नहीं, शायद इसमें आप लोग को नज़र ही ना आए, बहुत छोटा है वो, ये वो बैठा वो रहा। अब ये बहुत ज़्यादा छोटा है। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर क्या क्या पड़ा है। ये मेरे भाई का पर्स है, ठीक है, ये मेरी मामा ने बनाया था क्रोएशिया से बनाया था, ये देखें, ठीक है। मेरी मामा का भी चैनल है क्रोएशिया की चीज़ों का, ठीक है, उसका नाम है लर्निंग हाउस होल्ड स्किल्स, मैं उसका लिंक भी नीचे दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ पर जाएँ और उसको सब्सक्राइब करें और उस पर देखें कौन कौन से डिज़ाइन हैं और सीखें वहाँ से जाकर, ठीक है। और ये देखें, ये है ना, ये मैंने नए इंसेक्ट्स प्रिजर्व करी थी, अभी भी हमने प्रोजेक्ट किया है अपने BS में, ठीक है, ओके। अब देखें यहाँ पर क्या पड़ा है, यहाँ ये मेरा लैपटॉप है, इस पर मैं पढ़ती होती हूँ
और इसके बाद यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये मेरा कप है, इसके अंदर क्या क्या कुछ पड़ा है, मार्कर पड़ा है, ये जो है बोर्ड मार्कर पड़ा है, ये मेरी ऐनक पड़ी है और ये मेरी मेहंदी की पड़ी है। जैसे मैं बताया था मैं मेहंदी डिज़ाइनिंग भी करती हूँ, तो ये रही मेरी मेहंदी जना। और ये जो है ना, ये नेल पॉलिश रिमूवर है, इसको खैर मैं मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया है, मतलब मैंने इसको जो है ना क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म होता है ना इसमें, तो मैंने जो है ना इसको एनिमल्स को बेहोश करने के लिए यूज़ किया था, सही है, अपने प्रोजेक्ट के लिए। बाकी ये मेरे भाई की दवाइयाँ पड़ी हैं, इनसे कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि मेरी दवाइयाँ नहीं, ये मेरी नहीं है, ये मेरे भाई की है, और ये है मेरी, हाँ भाई ये मेरी है। तो क्योंकि अब दवाइयों की तो बेटा और सबको ज़रूरत पड़ती है ना, तो ठीक है फिर आगे चलते हैं। आगे क्या पड़ा है मेरे पास, ये पड़ा हुआ है मेरे पास, ये मेरे लैपटॉप का डॉक्टर है, जैसे कि आपने देखा, इसको मैं उसके पास ले जाती हूँ, ये उससे दूर नहीं रह सकता ना, तो ये मैंने उसे उसके पास रख दिया है, अपने लैपटॉप के पास, ठीक है। और अब क्या करना चाहिए मुझे, अब देखते हैं, अब आगे चलते हैं कि मेरे पास और क्या क्या पड़ा है। ये देखिए मेरे पास बुक्स पड़ी हैं, वो मेरे रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। अब मज़े की बात बताओ, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर पूरा का पूरा इस एक रजिस्टर पर गुजारा हुआ है, ये देखें, इस एक रजिस्टर पर मैंने गुजारा पूरा फर्स्ट सेमेस्टर। अब उसके बाद अब सेकंड सेमेस्टर में आकर के इतने सारे रजिस्टर हो गए, देखें अल्लाह खैर आगे पता नहीं क्या होगा। खैर ये वाला मेरे रिसर्च का रजिस्टर है, और ये आजकल जो है ना मैं यूज़ कर रही हूँ, ये क्या देखें, ये देखें, ये बायोफोर्टिग्राम का रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद मेरी कुछ चीज़ें पड़ी हैं, ये शायद मेरे पोनी है। उसके बाद ये देखें, यहाँ से मुझे बिस्किट मिला है, अभी अभी मुझे अम्मा ने दिया था। और उसके अलावा यहाँ पर बोतल्स पड़ी हैं, और मेरी दवाई पड़ी है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना कबाड़ हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा कबाड़ हो रहा है यहाँ पर। ये देखें ये सारी बुक्स पड़ी हैं, ये सब कुछ पड़ा है। उसके बाद नीचे वाले खाने में भी आप लोग तो देखें क्या हाल हो रहा है, ये देखें, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पर मशीन पड़ी हुई है, ठीक है, सिलाई मशीन होती है ना कपड़े सीने वाली वो। उसके बाद ये छोटा सा वाइट बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये मेरे मैडम खाना है, उसमें ना वो है बीटल्स, रेड बीटल्स, रेड स्मॉल बीटल्स जो मेरे फ्लोर में आ जाते हैं, कि वो है, वो पड़े हैं इसके अंदर, ठीक है, इस बाल्टी में, ये बाल्टी इसके अंदर वो पड़े हैं। उसके बाद आप देखें, ये देखें, ये मेरा बॉक्स है, मेरा वुडन बॉक्स, इसके ऊपर मैं लैपटॉप रख के यूज़ करती हूँ। और ये देखें मेरे कमरे की हालत, मेरे कमरे की हालत देखिए आप लोग, ये सारे के सारे चीज़ें वहाँ पड़ी हैं, तो हम वन बाय वन करके ना इसको साथ साथ सेट करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये मेरी अलमारी है, आपको भी सही नज़र नहीं आ रही होगी, मैं दूर चांस कर, आप देखें ये फिर ये तो वो दीवार है ना जो मैंने आपको बताया अभी पिंक कलर की। और उसके बाद फिर ये देखिए वहाँ पर मेरे कॉर्नर पड़ा हुआ है, कॉर्नर की हालत बहुत बुरी है, अच्छा। उसके बाद फिर यहाँ पर मेरा पर्दा लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर ये अलमारी है, ये ऊपर वाली अलमारी है, छोटी सी कबर है, उसके नीचे जो है वो बड़ी अलमारी है, इसमें कपड़े वगैरह पड़े। और उसके बाद ये वॉशरूम तो अभी साफ़ हुआ है, और आप लोग नीचे भी देख सकते हैं कितनी सफाई हुई हुई है, ये तो दाग नहीं, ये नहीं जाते, ये इसके परमानेंट है, तो परमानेंट मार्कर होता है ना वैसे। उसके बाद फिर उसके बाद यहाँ पर ये दूसरी वाली अलमारी है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी होती है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर भी सारा कबाड़ हो रहा है। असल में ये जो साइड टेबल है ना, ये मैंने रखी हुई चांदनी मास्क के लिए, जाकर मज रखने के लिए, और यहाँ पर बैग भी पड़ा रहता है कभी कभी। ये देखें ये हमारी साइड टेबल पर जाकर मस्त पड़ी है, ठीक है। और ये मेरा वाइट बोर्ड है जिसके ऊपर मैंने लेक्चर देने, और ये जो मेरा वाइट बोर्ड है ना इसके ऊपर मैंने अल्लाह लिखा हुआ है, ये मैंने खुद लिखा है। आप ये देखें कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कैसा लगा आपको, ठीक है। और अब ये जो है ये वाइट बोर्ड है, ये ख़त्म हो गया। अब उसके बाद इसके ऊपर भी एक लाइट लगी हुई है, और ये मेरा एंट्रेंस है कमरे की, एंट्रेंस और एग्जिट एक ही है मेरे कमरे का, ठीक है। हाँ तो कमरा है ना भाई, तो
तो एंट्रेंस टू एग्जिट एक ही होगा, अलग अलग थोड़ी ना होगा जैसे मॉल में होता है, मॉल थोड़ी है। चलो भाई अब हम स्टार्ट करेंगे रूम की सफाई। चलो जी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इन सब चीज़ों को। हम इन सब चीज़ों को एक एक करके हम बेड पर रखेंगे। बेड पर रखने के बाद फिर हम लोग जो है ना इसको सेट करेंगे कि किस तरह से अच्छे से सेट हो सकता है। ठीक है ये वाली चीज़ रखते हैं पहले, आई मीन माई रिसर्च वर्क। ठीक है आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखो मैंने ये रिसर्च वर्क उठा के रखा, इसको उठा के रखा, और इसको इसकी जो बाकी के रिसर्च की जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर रखी। और उसके बाद ये हमारा छोटा नन्नू मुन्नू मेंढक है, इसकी ज़िंदगी बहुत लंबी है पता है आपको, क्योंकि ये मुझे सबसे पहले मिला था और बाकी दोनों मुझे एक ही दिन मिले थे। और मैंने फिर जाकर पकड़ा इनको, फिर इनको बेचारों को कैद कर लिया। कैद करने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं इनको जो है ना कुछ मतलब नुकसान वगैरह पहुँचाना चाहती, नहीं मेरा मतलब सिर्फ मेरा मकसद सिर्फ जानने का है, सिर्फ इल्म हासिल करने का है इनके बारे में कि इन मुख्तलिफ कंडीशंस में इनकी हालत क्या होती है। ठीक है अब आप लोग देख सकते हैं जी, अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ उतार रहे हैं यहाँ से। सही है अब मेरे लैपटॉप की बारी है, लैपटॉप मुझे बड़ा प्यारा है। ठीक है उसके बाद अब मैं इसे उठाती हूँ, ऐसे हम इसको उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। सही है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या है ना कि उस वक्त अम्मी ने बुला लिया था नाश्ता करने के लिए, तो उसके बाद अब मुझे टाइम मिला वो लोग का बाकी का हिस्सा कम्प्लीट करने का। ठीक है तो अब हम करते हैं, हम क्या कर रहे थे, हम उस वक्त ये कर रहे थे कि हम लोग अपनी ये सारी जो चीज़ें हैं ना इनको उठा कर पहले यहाँ पे रखते हैं यहाँ बेड पे। ठीक है अभी आप लोग देख सकते हैं मैं फिर पढ़ने लग गई थी। ठीक है तो उसके बाद इसीलिए मैंने इसको लैपटॉप को जो है वो लगा लिया। चलें फिर अब हम एक एक करके इसको उठा के रखते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखें ये अभी मैंने न्यू न्यू उठाए हैं, क्या ये आपको नज़र आ रहा होगा शायद। हाँ ये जो है ना बीटल्स हैं, ये वाले बीटल्स हैं जो दाल के अंदर होते हैं ना, वो अभी अभी अम्मी ने भिगोई थी तो उसमें से मैंने निकाला। बट अच्छा ये मेरी रिसर्च रिसर्च की चीज़ें हैं, ये आपको मैंने मतलब पहले भी बताया। और उसके बाद हम अपने फ्रॉग्स को उठा लेते हैं जी। ये देखें एक साथ कैसे लग रहे हैं, नीचे बड़ा फ्रॉग है ऊपर छोटा फ्रॉग है। चले आगे चलते हैं हम। अच्छा उसके बाद ये सबसे छोटा वाला है, इसके ऊपर ये देखें आप लोग देख सकते हैं मैंने कितना कुछ मार्क किया हुआ। और ये सब कुछ ना मैं अपनी रिपोर्ट में लिखती हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया था। अब ये वापस मैंने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख लेते हैं। और सरहाने को हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर। और क्या क्या पड़ा है यहाँ पर, एक कप पड़ा है, कप को यहाँ रख लेते हैं बेड पर। ठीक है उसके बाद ये मेडिसिन है, मेडिसिन को उठा लेते हैं यहाँ से। सही है उसके बाद ये मेरा पर्स है, और ये भी मेरी पिन है। और उसके बाद ये जनाब मेरे जो रजिस्टर वगैरह हैं, ये एक नंबर एक आपके अंदर है ना सारे रजिस्टर कितने बड़े हैं, ये एक रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है। ठीक है उसके बाद ये रजिस्टर नंबर 3 है, और उसके बाद में हमारे पास है ये रजिस्टर नंबर 4। ये देखें 4 रजिस्टर हो गए। अब उसके बाद अब ये रजिस्टर नंबर 5 है, और रजिस्टर नंबर 6, और रजिस्टर नंबर 7, कितने हो गए टोटल 7 रजिस्टर। सही है उसके बाद में ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले रजिस्टर मैंने आपको पहले बताया था, और ये हम यहाँ रख देते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये रिसर्च वाला रजिस्टर है, देखा ना कितना बड़ा, बट इसमें इसको भी मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। ठीक है ये रिसर्च की सारी चीज़ें सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। सही है कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा ये मेरे फोनिया हैं, अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या पड़ा है। ये यहाँ पर जो है ना हमारे पास ये पड़ी हुई है, ये हमारा पैकेट है, ये वो है कोई ना क्या कहते हैं उसे प्लास्टिक का बैग है, ये प्लास्टिक का बैग कहते हैं। और ये कागज़ मेडिसिन क्या क्या कुछ रखा हुआ है मैंने। एक्चुअली है ना मुझे बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं उसे सुस्ती हो जाती है ना,
सस्ती हो जाती तो मैं कुछ भी नहीं करती फिर मैंने कहा कि मैं सेटिंग करती हूँ आप लोगों के सामने।